धिन धिन केसर कालवी कालवी केसर कालवी और धिन धिन पाबू राठौड़ गाया वाली वारा चढ़या रणबंका सिरमोड़। देखिए जब वीर पुरुषों के पास जब युद्ध का संदेशा जाता है तो उनके जीवन का सबसे अमूल्य क्षण वो होता है, सबसे गौरवशाली वक्त वो होता है जब उनके पास युद्ध का संदेशा जाता है, जब उनको लगता है कि आज मुझे गौ और गौरव के लिए, धर्म और दया के लिए और अपने वचन पालक के लिए आज मुझे युद्ध भूमि में अपने प्राणों को देने का मौका मिलेगा, आज युद्ध भूमि में मुझे अपने रक्त बहाने का मौका मिलेगा, तो उससे बड़ा वक्त, उससे बड़ा समय, उससे बड़ा क्षण वीर पुरुषों के लिए कोई नहीं होता। जब केसर काल भी हिनहिनाई और पाबू जी ने सुगन लागा कि आज युद्ध भूमि में मने जावनो पड़ेला और गौ और गौरव रे वास्ते, वचन रे वास्ते और धर्म रे वास्ते मने लड़नो पड़ेला, तो बाबूजी बड़ा प्रश्न हुआ। चोखा सुगना में केसर हिन हिनाई, बाबू देवे थाने युद्ध री बधाई। के बाबूजी केसर काल भी यूं नहीं कहो कि बाबूजी अरे मार दिया, अरे मार दिया, आज तो युद्ध में जावनो पड़ेला। केसर कहो कि बाबू देवू थानी युत्री बधाई, आपना घना भाग बाबू राठौड़, आपना घना भाग जो आपने युद्ध भूमि में जावन रो मौको मिलो है। बस सुंदर भजन, थोड़ा नाश्ता गाता वगैरह भजन में आनंद लो तो लागे कि आज सुगाड़िया और धरती माने बाबूजी राठौड़ सत्संग में बैठा हूं। बड़े सुगाड़िया धाम के वीर बाबूजी राठौड़ की, पायो समात की सत्य सनातन धर्म की। रेडी 1 2 3 4 एक बार बाबूजी का भक्त भाव तोड़ो हाथ, बोले श्री बाबूजी राठौड़ की। चोखा सुगना में केसर हिन हिनाई, चोखा सुगना में केसर हिन हिनाई, बाबू देवे थाने युद्ध री बधाई। केसर हिनहिनाई, बाबू देवे थाने युद्ध री बधाई। ओ मिले भागा सुमरण रो बापो, ओ मिले भागा सुमरण रो बापो, ओ मिले भागा सुमरण रो बापो। मैंने देवर भाई गाया ने लगना में केसर हिनहिनाई, शुभ लगना में केसर हिनहिनाई, बाबू देव युवा शक्ति संगठन रज पुकारी संजतान बाबू के शरशिणगारी। भाई अरज पुकारी संजतान बाबू के शरशिणगारी। ओ भालो हाथ लियो नभ छूटो, ओ भालो हार लियो नभ छूटो, चट के शर लगा Oh, 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 oh,
ना वीर पुरुषों को इतिहास कोई शाही और कलम सुनी लिखियो, आप रे खून सुन इतिहास लिखियो, युद्ध भूमि रे मैंने खून और पनाला बहाया, जज्जा बिल्कुल जज्जा बाबूजी राठौर जेड़ो इतिहास लिखियो। अरे बाबू खून सू लिखी है कहानी, गौ मात खातिर हुआ बलिदानी, बाबू खून सू लिखी है कहानी, गौ मात खातिर हुआ बलिदानी, वो छोटू बाबू रे चरण बलिहारी, छोटू बाबू रे चरण बलिहारी, वीर बाबू की रक्त हुआई। पहले बार कौन लायो ऊंट, कौन लेके आया, कौन लायो, बाबूजी राठौड़ और हरमल जी देवाश, बोले श्री बाबूजी राठौड़ की, बोले हरमल जी महाराज की। अब अरबरी और बाबूजी राठौड़ सांडियों ने ऊंट दे लेबन निवास से दायजे में लेबन निवास से बाबूजी राठौड़ रवाना हुआ कयो। अरे सांडे लेबन जाए राठौड़ सांडे बाबूजी राठौड़। मान लो एक बहुत बड़ो काम कर दियो,
क्योंकि 12वीं 13वीं शताब्दी में बाबूजी राठौड़ अपारे वास्ते ऊंट ले आया, और जो ऊंट आगे चल राजस्थान रे आवागमन रो सबसे बड़ो साधन बन इन धरती रे माथे उभरो, और राजस्थान रो जहाज रे रूप में वा ऊंट विख्यात हो। धीरे धीरे ऊंट री प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि लगभग हर घर रे मायने ऊंट मिलतो, और आवागमन रे मायने सबसे पहले ऊंट याद करता कि वो धोरा रे माथे बड़ी आसानी से चल लेते। पर आज अगर इन समय रे मायने अगर देखो जावे तो ऊंटा जेडी दुख भरी स्थिति केंडी कोई जानवर नहीं, कोई पशु नहीं। आज परमादरणीय एमएलए साहब भी विराजमान है। ऊंटों की महानता खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि हमने उपयोग करना छोड़ दिया, हमने उनको काम लेना छोड़ दिया। अगर यही हाल रहा, यही स्थिति अगर ऊंटों की रही, तो 20 साल बाद मात्र फोटो में हरमल जी देवासी के साथ और बाबूजी राठौड़ के साथ ऊंट नजर आएंगे। आप अपने बेटों को, अपने बच्चों को दिखाओगे कि ऐसा कोई जानवर ऊंट था, ऐसा कोई जानवर ऊंट था जो हरमल जी देवासी और बाबूजी राठौड़ समंदर पार से लेकर आए थे, पर आज इस धरती पर है नहीं, लुप्त हो गए हमारे आंखों के सामने। आपको पता है मांस खाने वाला एक पक्षी गिद्ध उड़ता था जो अनेकों ऐसे पूरे आसमान को ढक लेते थे, पर आज इन 10 सालों के अरसे में वो गायब हो गए। और ऊंट कितने थे राजस्थान में, धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने लुप्त हो रहे, हमको पता नहीं चल रहा है। और एक दिन ऐसा होगा हम चारों तरफ देखेंगे कहीं ऊंट नजर नहीं आएगा। बोले श्री बाबूजी राठौड़ की। मेरा आपसे पुनः निवेदन रहेगा, हम धरती के सर्वश्रेष्ठ जीव है, इसके साथ भगवान ने हमको एक और कर्तव्य भी दिया है कि तेरे पास बुद्धि बल विवेक सब कुछ है, इसलिए तुझे तेरे साथ साथ धरती के हर जीव प्रकृति के हर एक क्षण क्षण और कण कण की तुझे रक्षा करनी है। ये दायित्व भगवान ने हमको दिया है और हमें इसका पालन करना है। और बाबूजी जो रत्न भारत में जो राजस्थान में लेके आए हैं उस ऊंट की, और उस ऊंट की हमको रक्षा करनी। एक बार दोनों हाथ उठाकर बाबूजी महाराज की इस बात का समर्थन करते हुए, हरमल जी देवासी की इस बात का समर्थन करते हुए, बोले बाबूजी राठौड़ की। अरे साजा ले बढ़ जाए सूरमा, साजा ले बढ़ जाए श्री बाबूजी राठौड़।